शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। पायल, पायल, टॉवल देना, बेड पे रखा होगा। पायल, पायल, टॉवल देना, बेड पे रखा होगा। ये लो हर्ष। कल माझी ने समझाया था ना कि बड़ों का नाम नहीं लेते, सब सर के ऊपर से निकल गया क्या? जेठी हैं वो तुम्हारे और मैं जेठानी। उम्र में चाहे तुम कितनी ही बड़ी हो लेकिन रिश्ते में छोटी हो, समझी? और मैं अपने पति को फुट टॉवल दे सकती हूँ, तुम्हें बिना इजाजत इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है। इस बोरिंग गाउन की जगह सेटिन और लेस वाली नाइटी पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। कितनी देर हो गई मीनाक्षी, तुम्हारी बहू अभी तक आई नहीं। कहीं वो भी ऑफिस वाली बहू की तरह नौकरी तो नहीं करने लगी? पहले वाली बहू की तरह तलाक ना ले ले। माँ, मैं भाभी को लेके आता हूँ। क्या पहनकर आई है तू? क्यों, आपकी सेकंड हैंड बहू पूजा में ड्रेस पहन के आती है और ऑफिस स्कर्ट पहन के जाती है और घर में नाइटी में घूमती है, और मैं घर में साड़ी पहन के सर पे पल्लू क्यों रखूं? मतलब बगावत करेगी तू हमसे? घर में दोनों बहुओं के लिए उसूल बराबर होने चाहिए। पहले हम अपनी उस सेकंड हैंड बहू को ना कंट्रोल में कहिए, फिर मुझसे कहिएगा कुछ। एक बार फिर से ना आलू गोभी की रेसिपी देख रही थी मॉम, माजी को पसंद आई आलू गोभी रेसिपी। हाँ जी मेघना जी, पुरानी फोटो देख के यादें ताजा हुई कि नहीं हुई? अपने दूसरे पति के साथ भी क्या ऐसे चिपक के बैठती हो क्या? दारू पिलाता है क्या तुम्हारा पति? ये फोटोस क्यों भेज रहे हो मुझे? क्योंकि सीधे तरीके से तुम मेरे पैसे तो दे नहीं रही हो, तो सोचा ये फोटो तुम्हारी पुरानी सोच वाली सासू माँ को भेज दो। अगर मैं पुरानी वाली मेघना होती ना तो डर के बैठ जाती, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें जो करना करो, लेकिन एक बार कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने ये फोटो वायरल की या इंटरनेट पर डाली तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझे तुम?
मीनाक्षी ये कैसी बदतमीजी है, बड़ों का स्वागत करने की जगह इन कपड़ों में सोई है। बहू बहू ये तो वही दवाई है ना जो उमा बहन का पागल बेटा खाता है। मीनाक्षी तेरी बहू तलाकशुदा के साथ पागल भी है क्या? नहीं नहीं बस आप लोग बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे। हाँ मुझे एंग्जाइटी है और ये बीमारी मुझे मेरे पहले पति और आप जैसे रिश्तेदारों के फालतू कमेंट्स की वजह से मिली है। देखो कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। मीनाक्षी हम जा रहे हैं नहीं तो ये तुम्हारी सेकंड हैंड बहू को देख कर ना हमारी भी बहुओं का दिमाग खराब हो जाएगा। चलो। अरे सुनिए ना मीना जी। अरे जाइए जाइए आप जैसे रिश्तेदारों से ना तो दुश्मन अच्छे हैं। गेट लॉस्ट। परसों से कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया, न कपड़े पहनने की तमीज है न बात करने की। अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? और आपने बड़ी तमीज है, घर की औरतों पर दादागिरी करती हो। आज मुझ पर हाथ उठाए, फिर कभी हाथ उठाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। संजी पूरी जिंदगी जेल में कटती रहेंगी। देखा देखा तूने, तेरे सामने तेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई और तू चुपचाप खड़ा रहा। माँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। गलती तो आपकी है ना माँ, आपको उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। घर में दोनों बहुओं के लिए उसूल बराबर होने चाहिए। पहले आप अपनी उस सेकंड हैंड बहू को ना कंट्रोल में कहिए, फिर मुझसे कहिएगा कुछ। मीनाक्षी हम जा रहे हैं, नहीं तुम्हारी ये सेकंड हैंड बहू को देख के ना हमारी भी बहुएं खराब हो जाएंगी। आज मुझ पर हाथ उठाए, फिर कभी हाथ उठाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। गलती तो आपकी है ना माँ, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सुमित मैं इतना ट्राई करती हूँ लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और वो राघव भी। राघव क्या किया उसने? सीधे तरीके से तुम मेरे पैसे तो दे नहीं रही हो तो सोचा ये फोटो तुम्हारी पुरानी सोच वाली सासू माँ को भेज दो। राघव से बात करने के बाद इतना हेडेक हो रहा था कि मैं काम सो गई सुमित, मुझे पता ही नहीं चला। मेघना मेघना तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, मैं कुछ टाइम में सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी मेघना। मॉम अच्छी लग रही हूं ना मैं? इंटरनेट पर देखकर पहना। मॉम सॉरी। माँ जी कल के लिए सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में आप सबके लिए खाना बनाना चाहती थी, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। आप अब जाकर आराम कीजिए, आज का खाना पूरा मैं बना देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने ऑफिस जाओ। माँ मैंने आज छुट्टी ली है, पहली रसोई का तो हक बनता है मम्मी का। ठीक बना ले। चल
क्या कर रही हो? काम करने दो ना। अच्छा, रात में तो रोमांस करने के लिए कूदते हो और आज मैं करीब आ रही हूँ, तेवर दिखा रहे हो। सॉरी, मेरा ध्यान काम पर था। ऐसे आज जल्दी फ्री कैसे हो गई? खाना बन गया तुम्हारा? आज खाना मेघा बना रही है। बहुत लकी है सुमित, उसकी वाइफ पैसे भी कमाती है और खाना भी बनाती है। अच्छा, सुमित लकी है, आप लकी नहीं हो। इतनी पसंद है वो सेकंड हैंड बहू तो जाओ ना उसी के पास। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हो, सच कह रही हूँ, सब जानती हूँ मैं। और कैसे देखते हो आप उसे? उसी के कपड़े पहने देख कर आपने मुझे सैटिन की नाइटी पहनने के लिए कहा। बस, मेरे मन में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम ये सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम जलती हो उससे। मैं जलती हूँ सेकंड हैंड बहू से? पायल, पायल। भाभी खाना तैयार है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बाद में सबको परोसूंगी। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।